तो हम लोग सारा सफाई करते हैं क्योंकि उस दिन हस्बैंड की छुट्टी, सुबह मेरी लड़ाई भी होगी उनसे चक्कर में, क्योंकि मतलब वाह जी वाह 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 कितने वो गाइस जी देखिए मेरा जुगाड़ मैंने क्या करा है, ये कपड़े सारे इस तरह। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे फंडे, और बाहर देखिए कितना मस्त मौसम है, बारिश हो रही है जबरदस्त। तो और देखिए सुबह सुबह मैं तो सो के उठा हूँ, अभी सोनाली को देखा मैंने तो कपड़े धोने में जोर दिया है, वो भी ऐसी बारिश में। देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ। कपड़े धोती ना क्योंकि यहाँ पे बहुत खुला डुला है, और ये मशीन भी लग जाती है और ट्रेन भी आता है और सब कुछ खुले खुले कर। तो मौसम कितना अच्छा, मौसम टिका हुआ था, इसलिए बारिश 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 हो रही है। और कपड़े हमारे रेनिंग टाइम, ये देखिए इस तरह से कुछ हाल मौसम है। देखिए सामने मसूरी में बादल आ गए थोड़े थोड़े। ओके ये देखिए, ये है छोटी रानी साहब। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो गाइस आप? ये सोनाली ने मशीन लगा रखी है यहाँ पे, तो सोनाली कपड़े धो रही है बाहर। अब मैं और अनायसा ब्रेकफास्ट का कुछ करते हैं जुगाड़, में सोच रहा हूँ आज बाहर से परांठे ले आऊँ। संडे भी है, मौसम भी अल्टीमेट है, चाय बनाऊंगा तब तक जब तक ये नहा लेंगे, और मैं सोच रहा हूँ वहाँ से परांठे लेके आता हूँ। चटनी उसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ग्रीन चटनी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। आज सब्जी भी देता है कई बार वैसे वो, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर से लेके आता हूँ। मेरा नायशा बाहर जाते हैं, पिछले संडे को भी हमने परांठे ही खाए थे, संडे को परांठे ही होते हैं हमेशा, तो लेके आते हैं। तब कोई काम से बारिश भी रुक गई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो जो ये शीट है ये तो मैं भीगने दूंगी क्योंकि इसको अंदर रखने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद यहाँ पे मशीन में लास्ट पर कपड़े रहे हैं, और यहाँ नायशा को हम लोगों ने बिठा दिया है, और सचिन बोले कि मैं पोछा दे देता हूँ पानी, क्योंकि अंदर चला गया ना यहाँ से मशीन से चलते हुए, यहाँ नायशा बार बार अंदर बाहर आ रही थी, तो अभी घर इतना ज़्यादा गंदा हुआ हुआ फैला पड़ा है, मतलब गंदा नहीं मतलब फैला पड़ा हुआ है, और ये देख सकते हो आप, अभी मैं सारा साफ़ करूँगी बाद में। तो आपको दिखाती हूँ, ये कल हम पॉट लेके आए थे, ये कितने सारे पॉट इकट्ठे कर दिए सचिन ने, और यहाँ का वेदर आज कल बताऊँ तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, वाह यार वाह, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब गर्मी ना ठंड बहुत अच्छा, अगर ऐसा ही रहे तो क्या मज़ा है। हमारी तुलसी कितनी हरी भरी हो चुकी है, बस मेरे लास्ट फुट मैट रहा है अब इसमें डालने को, और बाकी मेरा काम ख़त्म हो गया। मेरे आज ना सारे स्लिपर वगैरह, जब मौका मिलता है ना बाहर कपड़े धोने का तो मैं सारे धो लेती हूँ सारा, और मशीन साफ हो गई है, और फटाफट से अब हम लोग नहाते और ब्रेकफास्ट तो गाय ले बाहर से। अब हम मैं सारे काम से फ्री हूँ, बस जैसे ही मैंने मतलब कपड़े धो के फारिग हुई, मतलब कपड़े तो मैं धो के फारिग हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत वो स्लीपर वगैरह धो रही थी, क्योंकि जब बाहर कपड़े धोती हूँ ना मैं तो मैं सारे साफ़ कर लेती हूँ, जो छोटी मोटी जो मेरे को दिखता है ना सारा साफ़ कर लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, उनको बताए जो हाउस वाइफ होती है जो घर का काम, मतलब उनको पता है कि कुछ भी कपड़ा ना बचे, जिस दिन संडे उस दिन तो हम लोग सारा सफाई करते हैं, क्योंकि उस दिन हस्बैंड की छुट्टी भी होती है ना, तो उनको भी लगा सकते हैं। अभी मेरे सचिन ने बोला कि मैं पोछा लगा देता हूँ कि तू भीग गई है सारी, और क्या नाम, उसके बाद हम लोग मैं ब्रेकफास्ट लेने जाऊँगा, तो उन्होंने बोला कि आज बाहर से परांठे लेके आते हैं, और कब हम लोग कब नहा के फारिग होंगे उसके बाद बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है, जो जो बाहर के परांठे मैंने आपको उस दिन पीछे भी दिखाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है वहाँ के परांठे, मुझे भी बहुत पसंद है, वैसे मेरे को अपने हाथ के अच्छे लगते हैं, पर वहाँ वो भी बहुत अच्छे बनाते हैं परांठे। तो देखिए, और एक बात और एक अच्छी बात होगी, जैसे मैं ख़त्म करती हूँ, सर्फ़ वाला पानी था ना नीचे, तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर से एकदम से जोरों की बारिश आई और वो सर्फ़ वाला पानी खुद ही बह गया। तो बस अब लास्ट पार्ट कपड़े निकालने हैं, और ये मतलब लास्ट में फुट मैट है। यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है दोनों की, जो हमारे पास बालकोनी बोल सकते हैं जो भी आगे है, इतना खुला डूला है ना, हम लोग कुछ भी मतलब डांस करो घूमो फिरो कपड़े धो जो भी करो, कोई वो नहीं है, यहाँ से जो पानी जाता है वो नीचे जाता है डायरेक्ट सड़क रोड पर इससे साइड को निकाल दिया वहाँ जाता है, और मतलब घूमने के लिए कपड़े धोने के लिए और सब कुछ शाम का अच्छा व्यू आता है, यहाँ से बैठ के चाय पियो आप जो भी करो, ये बहुत अच्छा है, मतलब इतना खुला है वहाँ। हाँ जी, ये डोर है और यहाँ से इतना खुला डूला है हमारे पास, ये एरिया ये हमारी नायशा है, इसको
पापा ने अनहला दिया, आधा ज्यादा काम था सचिन का, सचिन ही कर दिया सुबह। हाँ क्यों यार, क्यों यार, देखो आज पापा ने तैयार करा ना आपको, परी को, परी परी मम्मा तो मुझे एक बात सुनानी है। हाँ बताओ, ऐसे मत करो, ढंग से बोलो। इसके टॉय नाइशू आज तुमने नाइशू के, ये सारे जो कि डोरेमोन, ये टेडी बियर सब धोए मैंने नाइशू के आज, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे को जो दिख जाता है मैं धोए हुए कपड़ों को भी धो देती हूँ, तो आज कम है यहाँ पे पानी, तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। मतलब फटाफट काम के खत मशीन बंद होगी, कपड़े निकालती हूँ। देखिए हमारा पोछा लग चुका है, तो पोछा लगा रहा है सचिन। पोछा कौन लगा रहा है नाइशू? जरा कैसी सफाई करी होंगी पापा ने, फैन ऑन कर दो ना यहाँ का, नहीं तो फिर सूखेगा नहीं। एंड चप्पल भी साफ हो रही, मेरे से बहुत कुछ सीख लिया है वैसे सचिन ने। क्यों सीखा मैंने सब कुछ, है ना, गुड आफ्टरनून। तो अब जाके मैं फ्री हूँ, मतलब मेरा लंच और जो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट था वो अब एक साथ हुआ है, तो अब जाके मैं खाना खाया। इन लोगों ने तो पहले खा लिया, जैसे मैंने बताया था बाहर से लेके आए थे ये ब्रेकफास्ट, तो पराठे ठंडे हो चुके तो कुछ मज़ा नहीं आया उसको खाने में आज, तो मैं थोड़ा बहुत गर्म तो कर लिया था। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, फ़ोन वगैरह करा, घर को सबको करा, और जो मैं कपड़े धोए थे ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग बोलोगे क्या करा, और मतलब हंसोगे क्योंकि मेरे कपड़े कहाँ लटक गए आजकल, ऐसा जैसे मतलब बरसात हो रही है ना तो उस वजह से पता होगा सबको प्रॉब्लम है कि कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा एक रूम जो हमारा खाली है उसको मैंने उसमें मैंने सब कपड़े लगा दिए चेयर पे, जो मेरे को मतलब ये होता है रॉडे होती है जिसके ऊपर मैंने कपड़े लटका दिए। आज मैंने यही काम करा, मतलब कि ना सूख जाए, और जो मेरे पति देव है उनके पास संडे के दिन एक ही काम होता है, जो व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि उनको प्लांट का कितना शौक है, गार्डनिंग का कितना शौक है उनको, तो वो आज फिर से इतनी तेज बारिश में फूल लेने गए, और मेरे को सुबह मेरी लड़ाई भी हो गई उनसे चक्कर में, क्योंकि मतलब जगह नहीं रह रही और फूल इतने ज़्यादा हो गए हैं। मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बहुत फूल लेके आते हैं वो, अभी मैं दिखाती हूँ, आने आई गए सब, और बारिश दिखाती हूँ कितनी जोर की हो गई है, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ इधर इनको देखिए, ऐसी बारिश में आज भी फिर से लेके आए, कितने सारे लेके आए। ये पीछे कर दो इसको शीशा, ये ना अनुज की रोगे आप, और मैंने ये धोया था ना ये पे जगह थी, तो मैंने इसको यहीं डाल दिया, ये भीग रही है वैसे भी। मैं दिखाती चलो कितने लाए, कितने अच्छे लाए गमले, देखो उसने देखो मैंने सौ क्या कितने सस्ते लाए, कितने के लाए पूछो ना कितने सस्ते, वही तो कितने महंगा दिया हम लोगों को। और ये वाले प्लांट ले क्या सचिन, वही कोई काम नहीं है देख सचिन, कपड़े देखो अपने जरा यार, क्या यार मैं भी कपड़े धो के फारिग हुई हूँ, और ये लेके आया ये कि इतने सारे हो गए ना हम लोगों के पास, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पति के पास कोई काम नहीं बचा। सचिन तुम ऐसे करो ना एक वो ही खोल दो यार, इसके लिए लेके आया सचिन, तुम ऐसे करो ना वही खोल दो यार, क्या क्या बोलते उसको नर्सरी, अच्छा बिजनेस है वैसे। आ जाओ गाइस ये देखिए मेरा जुगाड़, मैंने क्या करा है ये कपड़े सारे इस तरह से मैंने बेडशीट वगैरह लटका के रखी, इस तरह से मैंने सब में करा हुआ है, और सचिन ने ना दूसरी जोड़ी खोल दी है अब कपड़ों की, और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे सूख भी रहे हैं ना कपड़े अच्छे से। तो ये देखिए गुड इवनिंग, तो हम लोग सो के उठ चुके थे काफ़ी टाइम पहले, और उसके बाद हम लोगों ने चाय दूध वगैरह पिया, और उसके बाद जो सचिन का काम था प्लांट लेके आए थे उसको लगाना होता है क्योंकि बारिश रुक गई थी, और इतना भयंकर बारिश हुई आज सारे दिन भर बारिश हो रही है ना, जैसे ब्लॉग स्टार्ट हुआ ना सब बोलना स्टार्ट कर देती है। तो अभी प्लांट लगा ख़त्म हुआ और उसके बाद डबल काम बन चुका है सचिन का सफाई करने का, तो मैं दिखाती हूँ कौन सा प्लांट लगाया आज। ये अनाइशा है हमारी, वो देखो ये देखिए सचिन का काम कितना ज्यादा बढ़ गया आज, कौन सा प्लांट
अच्छा एक ये लगाया है सचिन ने, एक ये दो फिर तो बोलेंगे ना फिर वो पीछे, और एक ये ये और कौन सा लाया आपने आज, ये इसमें एक इसमें किसमें था सचिन, ये इसमें प्लांट उसमें था फिर निकाल के इसमें लगाया और वो उसमें था इसमें लगाया और एक ये आज और लेके आया ये वाला पता नहीं क्या सा प्लांट लेके आया, अच्छा सुबह एक ड्रेस खोलिया ना सचिन ने सबको बताया और उसके बाद आज दूसरे कपड़े और भी गो कर दिए गंदे, ये देखिए कितनी मिट्टी होगी ना बहुत बुरे हाल हो गए। और एक ये वाला प्लांट भी लेके आए थे कल था उसमें बड़े गमले में तो ये इसमें लगा दिया, इसमें ये लगा हुआ था तो ये चल नहीं रहा था तो इसमें इन्होंने ये ऐड कर दिया है और ये मिट्टी बच गई है, ये वाला गमला हमारे टूट गया था ना इस वजह से ये मिट्टी बच गई थी तो अभी काम आ जाएगी। हेलो ये बारिश भी स्टार्ट होगी सचिन, तुम साफ करके खत्म हो रहे हो और बारिश स्टार्ट होगी, कोई बात नहीं। हेलो गाइस अंदर आ जाओ अंदर। हेलो अपने घर जा रहे हैं गाइस और चिड़िया तो अपने घर चली, पापा ने क्या उनका डब्बा निकाल लिया ना तो निकाला है डब्बा डब्बा निकाला उनका डब्बा सोता है डब्बा नहीं होता बेचारा कैसे लोग सोचते कि कितना काम करवाते इसे। हेलो गाइस मेरा प्लांट नहीं देखा बड़े वाला, देखा है क्यों नहीं देखा, ये देखिए कितना प्यारा और हम लोग इसलिए व्हाइट टी ट्रे लेके आए बहुत प्यारा। हेलो गाइस ये वाले प्लांट बहुत फैल चुके हैं आज दिन का कुछ करना पड़ेगा यार बहुत फैल चुके मतलब कि ना ये बाजू हरे भरे हो चुके। हेलो गाइस कटिंग कर दूंगा मैं, हेलो गाइस कटिंग करेंगे सीजर लेके आना अंदर से, पहले एक काम तो कर लो यार तुम इतना काम क्यों करते क्यों, और कैसा लग रहा है प्लांट लगने का किचड़ में काम करके, बस ये अच्छा नहीं लगता मुझे, मुझे इसको साफ करने वाला तो कोई और बुलाना पड़ेगा यार, मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि अगर ये फैलाओगे तो खुद साफ करना पड़ेगा। हे गाइस तो पूजा का टाइम हो चुका है ना, क्या पूजा कर रही है धूप बत्ती हो गई है और यहाँ पे इसके पापा खाना बना रहे हैं क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए सचिन बना रहे हैं आज। हेलो गाइस होगी पूजा, पूजा सचिन आप क्या कर रहे हो, मैं राजमा आज का खाना सचिन ही बना रहे हैं तो चपाती मैं बना दूंगी और दाल वगैरह सचिन बना रहे हैं और सुनाओ तुम और तो आज बहुत काम करना पड़ रहा है और क्या सुनाऊं, बारिश इतनी हो रही है ना तो हमारे घर के बाहर है ना जहाँ पे मतलब खाली प्लॉट है वहाँ पे पूरा पानी मतलब इतना है ना वहाँ के नीचे से तो इतना पानी हो गया बस इतना सा बचा उसके बाद रोड पे आ जाएगा और घर पे देखो क्या हाल हो गया यार, घर पे तो लाइट ही नहीं है हमारे, लाइट तो और मतलब क्या है सर हिमाचल में ना रेड अलर्ट है 2 days के लिए बंद कर दिया है स्कूल भी ऑफिस भी बंद कर दिए गवर्नमेंट हॉलीडे घोषित हो चुका है 2 दिन नहीं सिर्फ स्कूल भी बंद हुआ है ऑफिस बंद नहीं हुए तो स्कूल सारे बंद कर दिए है 2 दिन के लिए इतना ज्यादा है हमें अभी नायशा को दिखा दो नायशा क्या कर यहाँ पे ना वो जो पाँव होते हैं ना लक्ष्मी माता के उस पे चेक करके रोज इस तरह से माथा टेकती है उस पे अनाईशा पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है अनाईशा को है नहीं कैसे करती है पूजा तो ना राजमा थे उसको थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। हाँ स्कूल जरा बंद है स्कूलों में 2 सेकंड सैटरडे था वो तो ऑफ ही हो गया ना पर वो भी हो गया और मैंने देखा वहां पे मनाली में मणिकरण में वो जो पुल था ना वो बिगड़ गया अभी देख रहा था मैं बहुत सारे पुल बन रहे मनाली में अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं बाहर कमी निकले पहाड़ों में तो खासकर अगर काम नहीं है तो फालतू में ऑफिस वालों को तो जाना पड़ता है इंडक्शन पे लगता है वो तो गाइस ब्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे तो सचिन करेंगे आज ब्लॉग का एंड तो फ्रेंड्स बाय बाय, अगर आपको संडे रूटीन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सचिन की शेयर बहुत कम हो रही है वीडियो सचिन की गार्डनिंग।
मेरी गार्डनिंग तो असम है, मैंने कुछ मंगा रखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले ब्लॉग में जब भी वो आएगा। पॉट्स के लिए कुछ मंगाया हुआ है, आज मैंने कुछ प्लेट्स भी लाई है और भी लेके आऊंगा, अब उसको थोड़ा मैं अच्छे से रखूंगा। एक पूरी वीडियो बनाना आप उस पे। पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरे पास कौन कौन से पेड़ है, क्या क्या है, उसका काम क्या है। दो तीन तरह के तो जेट प्लांट आ चुके हैं मेरे पास, एक कुबेर प्लांट भी लेके आया हूँ, बहुत सारे प्लांट है। उसका वो भी बताएंगे क्या मीनिंग होता है इस प्लांट, जितना पता है मुझे उसका मैं बताऊंगा। मनी प्लांट मैंने दो कर दिया, तीसरा ये मैंने करा है, ये वाला मैंने करा है। ये देखो मनी प्लांट ये कुछ भी नहीं, पानी में ना इसको डाला हुआ है, और ये देखिए पानी चेंज करती हूँ मैं इसका, वैसे तो इसको कल परसों में चेंज करूंगी फिर। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।